कल्पना कीजे अपनी ही भक्ति कीजे भगवान इतना कीजे अपनी ही भक्ति कीजे भगवान इतना कीजे अपनी ही भक्ति कीजे आपसे ओ प्रेम आपसे तुम को न भूलना ओ प्रेम आपसे तुम को न भूल जाना मुझे बता मुझे बता दो चरणों में कैसे आओ माया के बंधनों से माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं मुझे बता दो बता दो हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं माया के बंधनों माया के बंधनों अब मुक्ति कैसे ब्रजवासी भगवान से प्रार्थना करते हैं ब्रजवासी भगवान से प्रार्थना की कन्हैया से एक संबंध बनाए हमको आपको भी तो कन्हैया से प्रार्थना करनी चाहिए संबंध बनाओ तो कन्हैया से बनाओ जो कभी छोड़ेगा नहीं संसार के संबंधी तो एक एक करके सब छूटते जाएंगे कुछ छूट गए कुछ छूट रहे हैं कुछ छूट जाएंगे कुछ आएंगे तो कुछ जाएंगे लेकिन एक संबंध ये कृष्ण का ऐसा है मेरी राधे का संबंध ऐसा है वो सदा सदा के लिए है उसके लिए गिड़गिड़ाओ तड़पो एक साधक क्या कहता है एक लाइन उसको देख के आगे चलते हैं मैंने लाखों के बोल से कन्हैया
प्यारे सताया हूं जमाने से मुझे अब तुम ना सताना मैं रोया हूं जमाने से मुझे अब तुम ना रुलाना मैं रोया हूं जमाने से मुझे अब तुम ना रुलाना मैंने लाखों के बोल सहे मैंने लाखों के बोल सहे सावरिया तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे सावरिया तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे सावरिया तेरे लिए लाखों के बोल सहे सावरिया तेरे लिए के बोल सहे सवरिया तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे सवरिया तेरे लिए उस कन्हैया से संबंध बनाओ मेरे कृष्ण का संबंध ही भवसागर से पार लगाएगा लोहे को लोहे के साथ जोड़ के पानी में डालेंगे डूब जाएगा लेकिन लोहे को लकड़ी के साथ जोड़ेंगे कभी नहीं डूबेगा ये जीव लोहे के समान है श्रोताओं ये संसार सागर जल है परमात्मा मेरा कन्हैया लकड़ी के समान है अपने आप को उससे एक बार जोड़ के तो देखो ब्रजवासियों के इतने पुण्य कर्म नहीं थे कि वो सात शरीर वैकुंठ जा सकते लेकिन कन्हैया उससे कह दिए कन्हैया हम भी तो तेरे अपने हैं हमारे कृष्ण को यह भाव बहुत अच्छा लगता है उस कन्हैया से बस एक बार कह दो आज इसे हम भय तुम्हारे भगवान ब्रजवासियों को लेके बैकुंठ चले गए बैकुंठ में जाते ही हमारे प्रभु चतुर्भुज रूप में हो गए शंख चक्र गदा पद्म ग्वाल बाल बेचारे दूर हो गए ब्रजवासी दूर हो गए वहां तो ब्रह्मा शंकर की हिम्मत नहीं पास में आ जाए पार्षद आ गए जय विजय बेचारे भोले भाले ब्रजवासी देखो कन्हैया को हमारे भोले भाले लोग ही अच्छे लगते हैं इसीलिए वहां आज भी बोलते हैं भोली गोपी राधे राधे गोपी भी भोली है ग्वाल भी भोले हैं
मेरा कन्हैया भी भोला है। ब्रज में आप जाओ, कई जगह लिखा मिलता है भोली गोपी राधे राधे। ग्वाल भी भोले हैं, गोपियां भी भोली भाली हैं। कन्हैया जैसा कह दे बस वैसे ही है। उसमें किंतु परंतु नहीं, बुद्धि लगाने की बात नहीं, उस कृष्ण की कृपा के लिए भोलेपन में आओ। ज्यादा चतुराई अच्छे नहीं लगती। चतुराई चूल्हे पर है, दूरी पर है आचार्य। ब्रज की क्या मस्ती है, ब्रज की रज में जाके लोटपोट होके देखो ना। कभी ब्रज की रज में बैठो, वस्त्र गंदे हो जाएंगे चिंता मत करो, बैठ जाओ। वहां तो धूल में कन्हैया लौटा है, कहीं चूहे के पीछे दौड़ रहा है, कहीं बिल्ली के पीछे दौड़ रहा है, कभी गाय के पीछे दौड़ा है तो कभी गाय के बछड़े के पीछे दौड़ा है। हमको वही ब्रह्म अच्छा है जो ब्रह्म हो हमारे साथ खेले खाए, ऐसा ब्रह्म चाहिए हम जिसके पास बैठ नहीं सकते, जिससे बात कर नहीं सकते, जिसका दर्शन पा नहीं सकते। मतलब क्या है? ग्वाल बाल सोचते हैं, अरे ये ब्रज में तो ठीक था, उसके साथ हम लोग खेलते थे, गाय चराने जाते थे, यहां तो हम प्रणाम भी नहीं कर सकते। ग्वाल वालों ने कहा, अरे कन्हैया चल वापस ब्रज में, तेरा वैकुंठ नहीं चाहिए। हमारे कन्हैया के रसिक आज भी वैकुंठ नहीं चाहते। क्यों? जो आनंद ब्रज में है बाबा वो कहां है? आज भी कृष्ण के भक्तों का एक सिद्धांत है, क्या? नहीं ब्रह्म सो चाह कछु हमको वैकुंठ की राह न जावन है। ब्रज की रज में रज हुए के मिलो, यही प्रीत की रीत निभावन है। वन वल्लभ गाय चराया करूं, सुनो ग्वालन की गुहरावन है। नद नंद की दे हरी पैघिसके, यह कर्म की रेख मिटावन है। नद नंद की दे हरी पैघिस के, यह कर्म की रेख मिटावन है। भक्त तो यहां तक कहते हैं, पशु पक्षी भी बनाओ तो वही बना देना, मानुष हो तो वही रसखान बसाओ ब्रज गोकुल, गांव के ग्वारन जो पशु हो तो बसेरो करो, चरो नित नंद की धेनु बजारन। ऐ कन्हैया पशु बनाना तो भी ब्रज में बनाना, मानो बनाना तो ब्रज में बनाना, पत्थर बनाना तो ब्रज में बनाना, कीट पतंग पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा कुछ भी बनाना, मुझे ब्रज में ही बना देना। क्यों? भगवान नंद यशोदा को वचन दिए हैं कि मैं ब्रजवासियों को कभी नहीं छोड़ूंगा। बाबा ने कहा तो ध्यान रखना, ये बड़े भोले हैं, इनको जैसा कहेगा तू वैसे ही करेंगे, जहां बैठा देगा वहीं बैठेंगे, इनका ध्यान रखना है। तो कन्हैया भी हमारा ध्यान रखा है, जो भोले भाले हैं उन्हीं पर कृष्ण की कृपा होती है। कृष्ण की कृपा के लिए हमारे अंदर भोलापन होना जरूरी है। भगवान वापस आ गए ब्रजमंडल में। यहां आने के बाद अब भगवान के रास का वर्णन है, आइए थोड़ा रासलीला का आनंद ले ले। प्रसंग शुरू से ज्यादा भावुक हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करें। देखो आप लोगों को तो लगता होगा कि चलो आज छठा दिन हो गया, बस एक दिन की बात और है,
बस एक दिन और दुकान नहीं जाना, फैक्ट्री नहीं जाना, काम नहीं करना। उसके बाद एक भक्त बोला, गुरुजी मैं तो बस गुरु पूर्णिमा तक दिन गिन रहा हूँ, उसके बाद अगले दिन मैं आपके साथ भी नहीं चल सकता, मुझे तो जाना पड़ेगा, काम में जाना है। बहुत अच्छी बात है भाई जी, शायद आपको प्रसन्नता हो, लेकिन सच बताऊं तो हृदय से मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। क्यों? ये जो मस्ती चल रही है, कल के बाद आप भी यहीं रहोगे, ये सब कुछ यहीं रहेगा, लेकिन जो भगवान की कथा जिसका इंतजार आप लोग साल भर करते हो, वर्ष भर इंतजार करने में समय लगता है, लेकिन 7 दिन का समय कैसे व्यतीत हो जाता है पता नहीं चलता। अंदर से वेदना हुआ करती है, कन्हैया तो इन दिनों को छोटा कर देता है क्या? कैसे समय व्यतीत हो जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। यही तो मेरे कृष्ण की लीला है, मेरे राधे की यही लीला है, और क्या है। तो आइए भगवान की रास लीला में प्रवेश करें। उस रास में प्रवेश से पहले कृष्ण की बांसुरी का आनंद ले लें। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, थोड़ा नींद उद गायब हो लोगों की, पहले चले रास में, क्योंकि हमारे कुछ भाइयों का विशेष हुआ कि इसको तो हमको सुनना ही है। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, हमने कहा बाबा हम भी यही तो करने आए कि श्याम की बंसी सुनो। श्याम की बंसी सुनने के लिए, सुनाने के लिए तो आए हैं, तो आइए थोड़ा सा आनंद लेते हैं। बजाई श्याम ने मेरी मुट्ठी चुराई श्याम ने, ऐसी बंसी बजाई श्याम ने मेरी निंदिया चुराई श्याम ने, ऐसी बंसी बजाई श्याम ने मेरी निंदिया चुराई श्याम ने, ऐसी बंसी बजाई श्याम ने मेरी निंदिया चुराई श्याम ने। नी मैं उसी दीवानी, नी मैं उसी मस्तानी, नी मैं उसी दीवानी, नी मैं उसी मस्तानी, नी मैं उसी दीवानी, नी मैं उसी मस्तानी, नी मैं उसी दीवानी, नी मैं उसी मस्तानी। वैसी बंसी बजाई श्याम ने मेरी नुकिया चुराई श्याम ने, ऐसी बंसी बजाई श्याम ने मेरी नुकिया चुराई श्याम ने। धुन जब पड़ी कानन में नींद न आयो श्याम नैनन में, मुरली की धुन जब पड़ी कानन में नींद न आयो श्याम इन नैनन में, मुरली की धुन जब पड़ी कानन में नींद न आयो श्याम इन नैनन में, मुरली की धुन जब पड़ी कानन में नींद न आयो श्याम इन नैनन में। मेरी निदिया, मेरी निदिया,
और मेरी बिटिया चुराई श्याम ने, ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी बिटिया चुराई श्याम ने, ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, नी मैं हुई दीवानी, नी मैं हुई मस्तानी, 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 ओ ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी बिटिया चुराई श्याम ने, ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी बिटिया चुराई श्याम ने। उमंग रहा नहीं जाए, मुरली की धुन सुन जिया लहराए, उठे उमंग रहा नहीं जाए, मुरली की धुन सुन जिया लहराए, उठे उमंग रहा नहीं जाए, मुरली की धुन सुन जिया लहराए, उठे उमंग रहा नहीं जाए, ऐसी मस्ती ऐसी मस्ती निराली शाम ने, ऐसी मस्ती चुराई श्याम ने, मेरी बिटिया चुराई श्याम ने, नी मैं हुई दीवानी, नी मैं हुई मस्तानी, 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 ऐसी मस्ती बजाई श्याम ने, मेरी बिटिया चुराई श्याम ने, ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी बिटिया चुराई श्याम ने। किनारे श्याम रास रचावे, इक सखी को नाच नचावे, यमुना किनारे श्याम रास रचावे, इक सखी को नाच नचावे, यमुना किनारे श्याम रास रचावे, इक सखी को नाच नचावे, यमुना किनारे श्याम रास रचावे, इक सखी को नाच नचावे, ऐसी रास ऐसी रात रचाई श्याम ने, मेरी बिटिया चुराई श्याम ने, ऐसी रात रचाई श्याम ने, मेरी बिटिया चुराई श्याम ने, नी मैं हुई दीवानी, नी मैं हुई मस्तानी, 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 ऐसी ऐसी बजाई श्याम ने, मेरी बिटिया ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी बिटिया चुराई श्याम ने, ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी बिटिया चुराई श्याम ने, ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी बिटिया चुराई 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 श्याम ने, मेरी बिटिया भगवान की रास लीला। वर्णलोक की यात्रा के बाद रास का वर्णन है।
भगवान कहते हैं कि आपके हृदय कमल में मैं अपना रस तो प्रकट कर दूं, बस अपने आप को दो से बचा लो, स्वाद से और विवाद से। जिसके जीवन में स्वाद और विवाद का प्रपंच नहीं होता, उसी के हृदय कमल में भगवान का रस प्रकट हुआ करता है। रस का अर्थ कोई काम भाव नहीं है। भगवान कृष्ण कोई काम ही नहीं थे, ध्यान रखना। काम का मान मर्दन करने के लिए कृष्ण की ऐसी लीला है। एक बार कामदेव पहुंचे भगवान के पास, प्रभु सबको पराजित कर दिया, आप बचे हो, सोचता हूं आपके साथ दो दो हाथ हो जाए। प्रभु ने कहा अच्छा, मुझसे पैदा होकर मुझसे युद्ध करेगा? बोले महाराज इसमें क्या दिक्कत है। भगवान ने कहा ठीक है, युद्ध कहां करेगा? बोले मैदान में करे जहां सब लोग देखें, एकांत में कौन देखेगा। प्रभु ने कहा ठीक है, एक बात सुन, द्वापर के अंत में जो मेरा कृष्ण अवतार होगा, गोपांगनाओं की इच्छा पूर्ति के लिए मैं रास का आयोजन करूंगा, उस समय आप आ जाना। मेरे मन में कोई विकार आ जाए तो मैं पराजय स्वीकार करूं, और विकार ना आए तो बोले मैं पराजित हो जाऊंगा। एक प्रार्थना है, क्या? जो पराजित होगा उसको बालक बनना पड़ेगा। प्रभु ने कहा मंजूर है, लेकिन एक बात सुन लो, यदि मैं पराजित भी होता हूं, श्री राम आप पराजित होते हो और मेरे बेटे बनते हो, तो मैं आपको अपनी गोद में नहीं बिठाऊंगा। प्रभु ये तो गलत होगा। भगवान ने कहा अपने भक्तों को सावधान करने के लिए प्रभु ने लीला की है। भगवान कहते हैं देखो आप कितने भक्त हो, चतुर रसिक हो, लेकिन कुसंग में जाओगे तो कहीं ना कहीं समस्या तो आएगी। काजल की कोठरी में कैसे हु सयानो जाए, कोई न कोई विकृत, कोई न कोई समस्या तो आई जाती है। तो भगवान की जो लीला है ये काम के मान मर्दन की लीला है। और भगवान जब ये रास किए हैं तो सांसारिक दृष्टि से 8 वर्ष की अवस्था थी। धराधाम में आए हुए कृष्ण को 8 वर्ष हुए थे। 8 वर्ष की उम्र में कृष्ण की लीला है। रास कब किए हैं? शरद पूर्णिमा में, जहां चंद्रमा समस्त कलाओं से युक्त होकर अमृत की किरणें बिखेरता है। चंद्रमा समस्त कलाओं से युक्त होकर अमृत की किरणें, कहां रास किए हैं? यमुना का पावन पुलिन, लेकिन हमारे सुखदेव जी कहते हैं रास पंचायत अध्याय के पहला वाक्य क्या कहते हैं, आइए उसका दर्शन करें। रास पंचायत अध्याय के पहला वाक्य ही है भगवान। भगवान कहलाने का अधिकारी हर कोई नहीं होता, ध्यान रखना। जहां 6 लक्षण विद्यमान हो वो है भगवान, और जहां 6 लक्षण ना हो भगवान कहलाने का अधिकारी। 6 लक्षण कौन कौन से? बोले ऐश्वर्य से समग्रस्य, धर्म से यश श्रिया, ज्ञान वैराग्य योश्य षडनाम भगैतीर्यते। जहां ये 6 लक्षण हो, ऐश्वर्य जिसके प्रभाव से त्रैलोक आनंदित हो, समग्रस्य जिसके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, धर्मस्य जो मूर्तिमान धर्म का स्वरूप है, यशसः जिसकी कीर्ति चराचर ब्रह्मांड में व्याप्त है, श्रियः जो लक्ष्मी के पति है, मूर्तिमान ज्ञान वैराग्य का स्वरूप। जहां ये लक्षण
उनको भगवान कहा है। राष्ट्रपंचाध्याय का पहला वाक्य सुखदेव जी क्या कहते हैं, आइए उसका आनंद लें। श्री सुख उवाच, भगवान पिता रात्रे शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। राष्ट्रपंचाध्याय के पहला वाक्य भगवान, भगवान योग माया का आश्रय लिए। भगवान की योग माया क्या है? भगवान की जो अचिंत कृपा शक्ति है, जीवों पर अनुग्रह करने के लिए, कृपा करने के लिए जो प्रकट करते हैं, उसी को कहा जाता है योग माया। एक है माया और एक है योग माया, दोनों मंत्र क्या है? माया भगवान से जीव को दूर कर देती है, लेकिन योग माया जीव को भगवान के समीप ला देती है। यही दोनों मंत्र है। योग माया का काम है जीव को भगवान के पास लाना, और भगवान जो राष्ट्रीय है ये 12 घंटे के रात्र नहीं है, ब्रह्मा के रात्र प्रकट किए हैं। एक चतुर्युगी बीतती है तो ब्रह्मा का एक दिन होता है, इतनी बड़ी रात्र होती है। 6 महीने की रात्र प्रकट किए, प्रभु यमुना का पावन पुलिन पीतांबर धारण किए हैं, गले में वैजयंती माला है, अधरोष्ट पर बांसुरी है, शरद पूर्णिमा की रात्रि है, चंद्रमा समस्त कलाओं से युक्त होकर अमृत की किरणें बिखेर रहे हैं, उसी समय हमारे श्याम सुंदर वेणु वादन शुरू कर दिए। कृष्ण वेण वादन करते हैं, बांसुरी बजाते हैं। भगवान बांसुरी की सेवा किया करते थे, लेकिन आज बांसुरी से कहते हैं देखो आज गोपांगनाओं को लेकर के आना है।
हम और आप भगवान के पास तभी पहुंच पाएंगे जब भगवान बुलाएंगे, प्रभु कृपा करेंगे। योग माया का आश्रय लिए हैं गोपियां, जो जिस अवस्था व्यवस्था में जैसे थी सब कैसे भागी भागी पहुंच गई। और मजे की बात, जो जा रही है वो बाद में पहुंची, और जिनके पति दरवाजा बंद कर दिए किवाड़ लगा दिए वो पहले पहुंच गई। एक बात ध्यान रखना, संयोग में भगवान की प्राप्ति उतनी शीघ्रता से नहीं होती जितना वियोग में होती है। उस प्रियतम के लिए रो करके तो देखो, उसके लिए दो अश्रु गिरा करके तो देखो। गोपियां ऐसे पुकारी कि जो रो रही थी वो पहले पहुंच गए। लेकिन हमारे कन्हैया थोड़ा कौतुकी तो है, बुलाने के बाद किसी को बुलाकर उसका स्वागत सत्कार करना चाहिए। प्रभु क्या कहते हैं सुनिए, स्वागतम वो महाभागा प्रियं किं करवाणि वः ब्रजश्यानामयं कश्चित् ब्रोतागमनकारणम्। हरि महाभाग, हरि गोपियों, क्या बात है, ब्रज में कोई संकट आ गया, कोई समस्या आ गई क्या? सबके सब भागी भागी आ रही है। गोपियां सोचती हैं, ये बुला ली और कहते क्यों आए। श्रोताओ, जिस भवन में आप बैठे हो थोड़ा ध्यान देना इस प्रसंग पर, ये बहुत रसकों के लिए सब कुछ यही है, मार्मिक भी गुड़ भी है सरल भी है, थोड़ा ध्यान देना। आप जिस भवन पर जिस शरीर पर बैठकर उस प्रियतम का दर्शन चाहते हो, प्रियतम को पाना चाहते हो, तो आपके इसी शरीर में चार झरोखे हैं, तीन झरोखे आप लोगों के खुले हुए हैं, चौथा झरोखा आपका सतगुरु खोलेगा, तभी आपको कृष्ण का बोध होगा। और जब तक वो खिड़की बंद है कुछ नहीं होगा, और जब तक कृष्ण का साक्षात्कार नहीं है तब तक जन्म और मृत्यु के चक्कर में उलझते रहोगे। भगवान गोपांगनाओं के वीक्षण का झरोखा खोलना चाहते थे, थोड़ी सी परीक्षा ले रहे हैं, देखे तो सही ये मेरे लिए आई हैं या अपने लिए आई हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग बांकी बिहारी के पास जाते हो तो बांके बिहारी के लिए जाते हो कि अपने लिए जाते हो? झूठ मत बोलना, जो मन में हो वही बोलना। यदि बांके बिहारी के लिए जाते हो तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, बांके बिहारी की कृपा चाहिए। अपने लिए जाते हो तो व्यापार में लाभ हो जाए, इसमें यह हो जाए उसमें वो हो जाए, परिवार खुशहाल रहे, क्या हम नहीं कहेंगे? तो बांके बिहारी को नहीं पता है क्या? मेरा कृष्ण यही तो कहता है कि कोई तो मेरे लिए आए, केवल एक उद्देश्य, जीवन का एक लक्ष्य बना लो, बांके बिहारी। यह जीवन बांके बिहारी के लिए है, राधे को आराधते हो तो राधे के लिए, बस एक लक्ष्य लेकर के चलो।
भगवान परीक्षण करते हैं। अरे गोपियों क्या बात, ब्रज में कोई संकट आ गया, कोई समस्या गई, सबके सब भागी भागी चली आ रही। गोपियां सोचती हैं, बुला लिए, बुलाने के बाद कहते क्यों आई हो? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम जो सर्व सामर्थ्यवान वही है कृष्ण। भगवान ने कहा गोपियों कभी कथा नहीं सुनी? बोले महाराज आपके पास आए, जो मर्जी सुना दो। पतिव्रता नारी के धर्म में पति की सेवा। बोले ये तो खूब कथा सुने, और आगे सुनाओ। भगवान ने कहा एक पतिव्रता अपने बालक को गोद में लेकर के बैठी, तब तक पति देव आ गए, बालक को छोड़ के पति की सेवा में चली गई। बालक खेलता खेलता की भट्टी में गिर गया, लेकिन बचाने नहीं गई वो, अपने तपोबल से बचा ली बालक को। यह पतिव्रता की शक्ति। गोपियां कहती महाराज एक बात बताओ, मैं भी तो वही करने आई हूं। कैसे? पतिव्रता का धर्म है पति की सेवा। पति परदेश गया हो तो चित्र की सेवा करे, और जब प्रत्यक्ष पति आ जाए तो चित्र की सेवा की आवश्यकता। तो गोपियां कहती हैं नाथ ये संसारी पति मेरे लिए चित्र के समान है, आप हो हमारे असली पति। जब आप मिल गए तो मैं चित्र की सेवा क्यों करूं? ऐसे बर को क्या बरिए, ऐसे बर को क्या बरिए, जो जन्मे मर जाए, बरबरिए गोपाल जो जामे चुड़लो अमर हुए जाए। हे नाथ हम तो वही करने आई हैं। अच्छा तो आप मेरे पास सुख लेने के लिए आई हो? नहीं केशव, हम आपके पास सुख लेने नहीं, फिर क्यों आई हो? हम आपको सुख देने के लिए आए हैं। गोपी प्रेम में हमारे आपके प्रेम में यही अंतर है, गोपियां प्रेम की हैं, भगवान को सुख देने के लिए। हम लोग भगवान से प्रेम करते हैं सुख लेने के लिए। हे नाथ हम आपको सुख देने के लिए आई हैं, आपसे सुख लेने के लिए नहीं। भगवान ने कहा सुख नहीं चाहिए तो जाओ, हर किसी को सुख ही तो चाहिए, आपको सुख नहीं चाहिए तो जाओ। गोपियां कहती एक बात बताओ, आप कहते हो चले जाओ, ठीक है हम चले जाएंगे, लेकिन वहां जाकर के क्या करेंगे? क्यों मेरे चित्त रूपी माखन को तो आप चुरा लिए महाराज। चित्तम सुखे न भवता परतम ग्रहेशु यन्निर्विषात्युत करा वपिग्रह यक्रेत्य पादौ पदम न चलतस्तव पादमूला या मह कथम ब्रजमथो करवाम किं वा। हे केशव चित्रूपी माखन को तो आप चुरा लिए, इस छाछरूपी शरीर को लेकर के कहां जाएं? ये शरीर शिथिल हो रहा है, अपना दासत्व दे दो। प्रभु ने कहा अपना दासत्व नहीं दिया तो? तो गोपियां कहती एक बात सुन लो, हम यहां पर आई हैं आपसे प्यार करने, हम यहां आई हैं आपको सुख देने के लिए, यहां पर आई हैं आपको प्राप्त करने के लिए।
ठीक है, आप इस रूप में स्वीकार नहीं करोगे ना, मत करो। लेकिन आप ही तो कहते हो जो मेरे चिंतन में अपना शरीर छोड़े उसको मेरी प्राप्ति होती है। तो हे केशव, आपके वियोग में, आपके विरहाग्नि में हम इस शरीर को जलाकर राख कर देंगे। आप इस तन से स्वीकार नहीं करोगे कोई बात नहीं, लेकिन आपने गीता में कहा है कि जो मेरे स्वरूप का स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है उसको मेरी प्राप्ति होती है। इतना कहकर गोपियां भावुक हो गई, गोपियां रो पड़ी। जब गोपियां रोई तो हमारे प्रभु द्रवित हो गए। इति विक्लवितं ताशां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः प्रहस्य सदयं गोपी आत्मा रामोऽप्यरि रमत। हमारे कृष्ण आत्मा राम जो इस स्वयं की आत्मा में रमण करते हैं, ऐसा क्यों किए? अरी रमत, गोपांगनाओं की इच्छा पूर्ति के लिए ऐसा किए हैं। भगवान की आत्मा कौन है? बोले भगवान की आत्मा है राधा, कृष्ण की आत्मा है राधा। आत्मा तुराधिका तस्य, कृष्ण की आत्मा है राधा। जब भगवान योगेश्वरेश्वर गोपांगनाओं के भाव को देखकर द्रवित हुए तब कामदेव से कहते हैं, कामदेव अब आप आ जाओ। अब कामदेव आए, देवता विमान पर बैठे हैं, देवांगना विमान पर बैठ के रो रही हैं कि हे प्रभु, मुझे देवांगना न बना करके ब्रजांगना बना दिया होते तो प्राण प्यारे श्याम सुंदर का स्पर्श मुझे प्राप्त हो जाता। भगवान ने कामदेव से कहा, आपके तरकस में जितने तीर हो छोड़ दो, कामदेव के पास जो शस्त्र है उसका प्रयोग किए। जब प्रयोग किए तो सुखदेव जी क्या कहते हैं, नद्या पुल नमाविश्य गोपी भिर हिमबालुकम रे मे तत्तरलानंद दबायुना। जब शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी तो नदी के किनारे जो बालू के कण थे उनको गोपी कृष्णावेश आ गए। जितने गौर वर्ण के बालू के कण है सब गोपी बन गए, जितने श्याम वर्ण के बालू के कण सबके सब कृष्ण बन गए। असंख्य गोपी असंख्य कृष्ण। भगवान ने कहा कोई विकार आया? बोले नहीं, इनका हाथ पकड़ के नृत्य करो, अंगों का स्पर्श करो। प्रभु ने कहा यह भी कर लेता हूं, बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु निविस्तनाल नभनर मनखाग्र पाते छ्वेल्यावलोक हसितेर ब्रज सुंदरीणा उत्तम भयं नृतिपतिं रमयांचकार। भगवान के अंदर जब किसी प्रकार से कोई भी कार्य नहीं आया, काम शरणागत हुआ। इसके बाद भगवान गोपांगनाओं के साथ रास किए। इस रास की तीन परिधि है। पहली परिधि है हल्लीशक, जहां हजार गोपियों के मध्य में एक कृष्ण है, इतने तीव्र गति से नृत्य कर रहे हैं, हर गोपी को लगता है कि मेरे साथ। दूसरी परिधि है रास, जहां दो गोपी और एक कृष्ण। तीसरी परिधि है महारास, तीसरी परिधि है महारास जहां एक गोपी और एक कृष्ण। यमुना के तट पर दिव्य रास का आयोजन हो रहा है।
आइए हम लोग भी उसी मस्ती पर चले। रास रचो है यमुना किनारे श्याम रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे श्याम रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे श्याम रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे श्याम रास रचो है। सूरज नाच चंदा नाच नाच तारगण, सूरज नाच चंदा नाच नाच तारगण, मन मेरवन गयो सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरवन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे श्याम रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे श्याम रास रचो है। नाच बाल नाच नाच बाल
वृंदावन मेरो मन देश थी बाबा वृंदावन रास रचो है किनारे श्याम रास रचो है किनारे श्याम रास रचो है Thank you.